हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ सीके में। कैसे हैं आप सब? तो मैं वापस आ गई हूँ आपके लिए एक बढ़िया सी वीडियो लेकर, जिसमें मैं करने वाली हूँ एक आई शेडो पैलेट का रिव्यू, और उसी से करूँगी अपना आई मेकअप और आपके साथ शेयर करूँगी ये वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप मुझे पहली बार मिल रहे हैं, तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को कीजिए लाइक, कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हम बार बार मिलते रहें। सो बात करते हैं अपनी पैलेट के बारे में, जिसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं। जिस पैलेट का मैं आपके साथ मेकअप ट्यूटोरियल भी शेयर करने वाली हूँ, तो ये है टन टन ब्यूटी ग्लेज की ये बोर्ड पैलेट है। तो मैंने बहुत सारी बातें सुनी थी इस पैलेट के बारे में, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको बाय करूं और आपके साथ शेयर करूं अपना रिव्यू कि ये पैलेट कैसी है, सच में ये वर्थ करती है या नहीं करती है, सच में ये अच्छी है या नहीं है, कैसा प्रोडक्ट है, कैसा टेक्सचर है। सो इस तरह की कुछ ये आपको पैलेट मिल जाती है और ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। मैंने इसको ख़रीदा है सिर्फ 499 में, सिर्फ 500 रुपये में तकरीबन मैंने इसको ख़रीदा है। सो इसमें 80 कलर्स हैं आई शेडो कलर्स। तो इसको हम कर लेते हैं ओपन, ये मैग्नेटिक यहाँ से ऐसे ही बंद हो जाता है। तो इसको यहाँ से मैंने ओपन किया है, तो देखिए ये कुछ ऐसी आपको पैलेट मिल रही है। बहुत ही सुंदर सुंदर और वाइब्रेंट शेड्स आपको इसमें मिलने वाले हैं, और आपको ये ग्लिटर्स जो दिख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ पहले ग्लिटर्स ही कि ये कितने ज़्यादा अच्छे और पिगमेंटेड है। ओह माय गॉड, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस पैलेट से इतना कुछ, बट ये बहुत अच्छी है। तो इसका ये फर्स्ट जो है, ये फर्स्ट कार्ड में आपको ये कलर मिल रहा है। सेकेंड वाले पार्ट में आपको कुछ ऐसे शेड्स देखने को मिल रहे हैं। थर्ड वाला कुछ ऐसा है, एंड देन है फोर्थ वन, इसमें आपको ये सारे शेड्स देखने को मिलेंगे। तो सारे ही शेड्स गाइस मैं आपको बता दूँ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। इसी से मैं आपको अपना मेकअप करके दिखाने वाली हूँ, और मुझे लगता है कि अगर आप बिगनर्स हैं, आप मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं या आप मेकअप करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी पैलेट है। बिकॉज़ इसमें काफ़ी सारे आपको मैट शेड्स भी मिलने वाले हैं। जैसे आप ये ग्रीन देख सकते हैं, ये एक मैट शेड है, और देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा ये अच्छा होने वाला है। ये एक्चुअली में क्या है, ये मैं अपनी स्किन पर लगा रही हूँ, तो इसीलिए इसका शेड इतना खिल के नहीं आ रहा है। बट जब हम आइज़ पर कंसीलर वगैरह सारा सेटिंग करके अपने आइज़ पर इसका शेड लगाते हैं, तो बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो अच्छा है ये बहुत ज़्यादा पैलेट, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। देख सकते हैं शेड्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो इसमें आपको ये नियॉन शेड भी मिल रहा है, एक ही नियॉन शेड है इसमें, ये कुछ ऐसा है। ये थोड़ा सा मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, ये थोड़ा सा पाउडरी लग रहा है, बट इट्स ओके, एक ही शेड ऐसा है, बाकी शेड्स तो ठीक हैं। ये भी थोड़ा सा नियॉन है बट इतना ज़्यादा नहीं, ये दोनों शेड्स थोड़े से हल्के नियॉन शेड्स में पड़ रहे हैं। बट मुझे पसंद आई ये पैलेट, और मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ इसका रिव्यू और दिखा दूँ इसके साथ आपको मेकअप करना, ताकि आप किसी भी पार्टीज में जाएं तो आपको इजी हो जाए अपना आई मेकअप करने के लिए। सो इसी के साथ करने वाली हूँ मैं आई मेकअप। सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि मैं इसी के साथ करने वाली हूँ आई मेकअप, ताकि आप मेकअप के बारे में इसको जब मैं लगा रही हूँ तो आइज पर आप अच्छे से देख पाएँ कि इसका कलर पिगमेंट कैसा आ रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को कीजिएगा लाइक, कमेंट करना ना भूले, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हम दोबारा दोबारा मिलते रहे। सो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए
देख सकते हैं हो चुका है मेरा मेकअप कंप्लीट। इसी पैलेट से मैंने अपना मेकअप किया है। आप ही के सामने मैंने कलर्स चूज़ किए हैं, मैंने 3 कलर्स इसमें चूज़ किए हैं। आप जैसा भी कलर चाहें वैसा चूज़ कर सकते हैं अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंगली, अपने ड्रेस के अकॉर्डिंगली। और अगर आपने वाइट कलर का या ब्लैक कलर का कुछ भी पहना है, साड़ी सूट लहंगा या कुछ भी पहना है, तो वाइट एंड ब्लैक के साथ कोई भी शेड आप चूज़ कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि अगर आपने वाइट लहंगा पहना है, साड़ी पहनी है, सूट पहना है, तो आप अपनी पसंद का आई शेडो चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई अदर शेड डाला है तो आपको थोड़ा सा उसके साथ मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा। मेरा जो वाइट था तो मैंने येलो ऑरेंज एंड काइंड ऑफ रेड चूज़ किया है अपने आईज़ के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।